चलिए फ्रेंड्स, जो आपका संस्कृत का पेपर है उसका मिलान कर लेते हैं। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए। इसमें हम सिर्फ वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद फुल सोल्यूशन हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मिलान करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। देखिए कितनी बार हमने आपको बताया था, बार बार रिपीट किया था इन चीज़ों को कि तीन होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं, और दो मात्रा से भी ज़्यादा का समय लगता है वो प्लुत स्वर होते हैं। तो इस तरह से आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। हा वर्ड का उच्चारण स्थान है, जैसे अब हा बोलते हैं तो क्या होता है, किसको स्पर्श करता है, तो कंठ को स्पर्श करता है ना। तो इस तरह से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो बालकेन, बालकात, बालका या बालकस्य, तो आपका हो जाएगा जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बालकाय, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बालकाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका हो जाता है, महेश्वरम में संधि है। तो ये भी हमने आपको बहुत ज़्यादा बताया था, डिटेल में बताया था कि देखिए महेश्वरम तो ऊपर क्या है, दो सिंह है ना, हमने ट्रिक आपको बताई थी, जहाँ पे दो सिंह हो यानी वृद्धि हुई, उसमें बढ़ोतरी हुई, यानी क्या है, तो वृद्धि संधि है। तो आप आँख बंद करके इस पर आंसर पे टिक कर सकते थे। और दृष्ट धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा, तो क्या होगा, तो पश्यति, पश्यथा, पश्यता या पश्यावा, तो इसमें पश्यावा हो जाता है, यानी कि फोर ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। और ये जो इतना लेट लतीफ हो रहा है मामला, तो भाई आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं भेज रहे, इसलिए इतनी देरी से आप लोगों को सोल्यूशन मिल पा रहा है, वो भी फुल पेपर नहीं आपको मिल पाया है। अगले क्लास में हम लोग इसका फुल सोल्यूशन देखेंगे। इसमें गुड़ संधि का सूत्र यह आया था, पितरों में कौन सा समास है, समास विग्रह भी कीजिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। हमने कहा था ना कि हिंदी से रिलेटेड आप उनका जो संस्कृत का पेपर होता है वो होता है, क्योंकि संस्कृत क्या है, जननी है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से देखा होगा, क्लासेस अच्छे से देखे होंगे, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं किए होंगे, सभी आपके सही होंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं फुल सोल्यूशन के साथ, और जो आपका एक और पेपर रह गया है उसका सोल्यूशन देखेंगे, और उसके बाद इनका फुल सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।